मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका क्लास फिफ्थ एनवायरनमेंट का लेक्चर है, ठीक है। सो इसमें जो चैप्टर नंबर 12 है, लेट अस मेक अ मैप, तो जो मैप होता है, नक्शा जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में है, ठीक है। ये चैप्टर छोटा सा ही है, सिर्फ दो तीन पॉइंट उसके समझने के। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स इन द क्लासरूम, तो जो भी चीज़ वस्तु आपके क्लासरूम में उसके बारे में आप लिखिए, ठीक है। राइट द नंबर ऑफ देयर क्वान्टिटी एंड गिव अ सिंबल टू ईच आइटम, तो यहाँ पे हमको आइटम है, नंबर है और सिंबल वगैरह लिखने दो। ये आपकी जो वर्कबुक है उसमें ही देख लेते हैं। जैसे थिंग में हमको फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है टेबल का, जो टेबल होती है ना, तो आप अगर क्लासरूम में होंगे तो आपने देखा होगा, ठीक है, कि टेबल कैसी होती है। तो उसका नंबर एक है, मतलब एक ही टेबल है, तो उसका सिंबल यहाँ पे। उसके बाद जो चेयर है, ठीक है, जिसे हम कुर्सी कहते हैं, तो वो भी एक है, उसका सिंबल ये रहा। फिर ब्लैक बोर्ड, तो उसका भी सिंबल ये रहा। इसी तरह डस्टबिन, कबर्ड, फिर फैन, स्विच बोर्ड, डस्टर, ठीक है। तो इस तरह से जो इनके सिंबल है और नंबर है, तो ये आपको आपकी वर्कबुक में लिख लेना। उसके बाद है फिल इन द कलर, हाँ, कि फिल इन द कलर्स, लेट द स्क्वायर बिलो रिप्रेजेंट द क्लासरूम, सो द पोजिशन ऑफ द थिंग्स ऑफ क्लासरूम इन द स्क्वायर। इफ देर आर टू टेबल्स, देन शो द सिंबल्स ऑफ द टेबल एज स्पेसिफिक प्लेस, वेर एवर देर आर बेंचीज, शो देम यूजिंग द सिंबल, गिव सिंबल टू अदर थिंग्स ऑल्सो एंड शो देम एज पर देर पोजिशन। तो आपके क्लासरूम में जो पूरा है उसके बारे में आपको मैप बना, मतलब कि सारे जो मैप टाइप का आपको करना है, ठीक है, लिखना नहीं है आपको, सिर्फ ऐसे ड्राइंग टाइप को करना है, ठीक है। तो ये जो है, ये मैंने यहाँ पे एक डमी बनाया है, मतलब कि आपका क्लासरूम जैसा ही है। तो इसमें देखो, आपको ये फैन है, ये फैन है, फिर उसके बाद ये फैन, और ये लास्ट वाला फैन। तो ये चार फैन है, वो आपको ड्राइंग नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा जो जो भी है वो आपको ड्राइंग कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये ऐसे आपके जो टेबल और जो चेयर है यहाँ पे हैं, तो ये आप यहाँ पे भी ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी ये जो टेबल जो है, ये आप यहाँ पे भी ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है। ये टेबल और चेयर है, तो ये आपको यहाँ पे बीच में सेंटर में ड्राइंग करनी है। और बाकी के मैंने जो समझा, ये जो चार फैन है, ये वाला, फिर उसके नीचे दो हैं, वो आपको ड्राइंग नहीं करने है। और जो टेबल्स वगैरह हैं, तो उसमें आप जो ये जितनी टेबल्स है वो आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो डोर आता है, दरवाज़ा आता है, वो भी यहाँ पे ही है, बस उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको ड्राइंग कर लेना है आपकी वर्कबुक में। ये ब्लैक बोर्ड है, फिर ये आपकी बेंचेस वगैरह हैं, ठीक है। फैन है, ऊपर है, बट इसमें कैसे हम समझा नहीं सकते हैं वो। और यहाँ पे एक डस्टबिन वाला, वो भी सही है। तो ये आपको आपकी वर्कबुक में लिख लेना है, ठीक है, मतलब ड्राइंग कर लेना है। ये फैन वाले आपको नहीं ड्रॉ करने, और जो मैंने टेबल और जो चेयर वाला समझा, ये आपको बीच में ड्रॉ करना है। उसके बाद है फिल इन द कलर मैप ऑफ योर स्कूल, वॉट एवर इन द फ्रंट ऑफ अस शुड बी सोन इन द अपर साइड, एंड वॉट एवर इज बिहाइंड अस सोन शुड बी सोन ऑन लोअर साइड ऑफ मैप। तो आपकी जो स्कूल है उसका मैप आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो अब आप स्कूल में तो अभी आते नहीं हो, इसलिए आपको याद भी नहीं होगा, ठीक है। याद हो तो आप ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे बनाया, आप यही ड्रॉ कर देना, ठीक है। और यहाँ पे जो इसके साइन वगैरह हैं, वो भी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सिम्बॉल में आपको यहाँ पे साइन वगैरह लिख देने, जैसे फ्लैग पोल का, क्लासरूम का वगैरह, ठीक है। तो जैसे ये जो है, ये फ्लैग पोल है, फिर क्लासरूम, यहाँ पे जो ये जो है, ये क्लासरूम है, ठीक है, यहाँ पे ये क्लासरूम है। उसके बाद जो गेट है, यहाँ पे जो गेट है, फिर जो वाटर रूम, वाटर रूम का ये रहा, प्रिंसिपल्स ऑफिस, यहाँ पे जो तीन ऑफिस हैं, फिर गार्डन वगैरह, फिर जो तीन चार ट्रीज के फ़ोटो हैं, प्लेग्राउंड, मेन गेट, डस्टबिन, ठीक है। तो ये सब आपको आपकी वर्कबुक में ड्राइंग कर लेना है। फर्स्ट वाला मैंने जो समझाया वो क्लासरूम का, और सेकंड जो ये स्कूल का। अब आपके हाउस का है, ठीक है, कि आपके जो हाउस है, मतलब कि मेक मैप ऑफ योर हाउस, तो जो आपके घर के अंदर का जो मैप वगैरह है वो आपको ड्राइंग करना है, ठीक है। तो अब आपके घर का तो सभी का डिफरेंट होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको समझ में आया, इसलिए आप ऐसा ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको आपके घर का आता हो तो बेस्ट है, पहले आप वही कीजिए। अगर आपको समझ में ना आए, तो यहाँ पे जो मैंने माय हाउस के बारे में जो समझाया है, वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जैसे सोफ़ा वगैरह है यहाँ पे, फिर टिपॉई है, टेबल, वाटर टैप, कबर्ड, विंडो, बेड, किचन, यहाँ पे किचन है, टीवी वगैरह, जो यहाँ पे
सिंबल में आपको समझाया गया है, ठीक है। तो ये आप हाउस वाला भी बन सके तो आपके घर का जो वो ड्राइंग ड्रॉ कीजिए, और ना आए तो आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो। फिर मैप ऑफ रणपुर विलेज, तो यहाँ पे हमको एक विलेज है रणपुर, तो वहाँ के बारे में हमको समझाया गया है, ठीक है। तो ये आपकी वर्कबुक में हम देखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मैप ऑफ रणपुर विलेज, तो एक रणपुर रणपुर करके एक गाँव है। इन द नॉर्थ ऑफ रणपुर विलेज रिवर पोस्ट बॉक्स एंड स्कूल आर सिचुएटेड, मतलब कि नॉर्थ साइड में देखिए क्या क्या है। नॉर्थ साइड में विलेज के रिवर है, यहाँ पे नदी है, फिर उसके बाद पोस्ट बॉक्स है, स्कूल, तीनों चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये स्कूल है, फिर यहाँ पे नदी है, और यहाँ पे पोस्ट बॉक्स है। उसके बाद पब्लिक गार्डन एंड वेल आर देयर इन वेस्ट ऑफ द विलेज। पब्लिक गार्डन ये कहाँ पे, वेस्ट साइड में, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट साइड में यहाँ पे। उसके बाद देखिए नक्शे में क्या होता है, नॉर्थ का, साउथ का, और वेस्ट और ईस्ट का, ये सब हमको बताने में आता है, ठीक है। उसके बाद जो गार्डन वगैरह देख लिया, फिर इन द साउथ ऑफ विलेज हॉस्पिटल मिल्क डेयरी एंड हैंडपम्प आर सिचुएटेड, कि साउथ की साइड में क्या है, हैंडपम्प है, मिल्क डेयरी, और यहाँ पे ये जो लोगो है वो हॉस्पिटल का है, ठीक है, ये जो है डेयरी का है और हैंडपम्प। उसके बाद इन द ईस्ट देर आर ग्राम पंचायत एंड पॉन्ड, ईस्ट साइड में क्या है, एक तालाब है, देखिए यहाँ पे ईस्ट में एक तालाब है और ग्राम पंचायत है, ठीक है, ग्राम पंचायत, ये जो है ग्राम पंचायत का लोगो है, घर टाइप का जो बना है ना। थ्री मेन रोड्स ऑफ द विलेज मीट ईच अदर नियर द सेंटर ऑफ द विलेज, जो तीन विलेज सॉरी जो तीन रास्ते हैं गाँव के वो सेंटर में यहाँ पे मिलते हैं, देखिए एक यहाँ का रास्ता है, दूसरा यहाँ का, तीसरा, तो ये तीनों सेंटर में मिलते हैं, बीच में मिलते हैं, ठीक है। दिस रोड्स आर यूज बाय द विलेजर्स टू कम्यूटेड टू अदर पीपल, तो यहाँ पे जो ये रोड है उसकी हेल्प से ये लोग हैं जो एक दूसरे से मिलते वगैरह हैं, ठीक है, कि वहाँ से वहाँ ये इस रास्ते की हेल्प से जाते हैं। तो देखिए ये जो रिवर का यहाँ पे जो फर्स्ट सिंबल है, ये जो रिवर का है, उसके बाद जो पोस्ट ऑफिस का है ये रहा, फिर बर्ड फीड का ये रहा बीच में जो है बर्ड, फिर स्कूल का है, ये जो बुक्स टाइप का है ना वो स्कूल का सिंबल है। उसके बाद ग्राम पंचायत, हॉस्पिटल, गार्डन वगैरह का, वेल का, देखिए ये जो कुएं का है, ठीक है, कुआ जिसे हम कहते हैं, पॉन्ड का, ये तालाब है उसका, फिर मिल्क डेयरी, यहाँ पे जो मिल्क डेयरी का सिंबल है। तो ये एक रणपुर करके विलेज है, उसके बारे में हमको बताया गया, उस गाँव का जो मैप है। तो ये चैप्टर इतना ही है, ठीक है। फर्स्ट हमने जो देखा वो आपके स्कूल के बारे में, फिर आपका जो क्लासरूम है उसका, फिर जो आपकी स्कूल है, हमारी स्कूल है, उसके बारे में आपको ड्रॉ मैप वगैरह बनाना है, ठीक है। तो ये आप आपकी वर्कबुक में कंप्लीट कर लीजिए, ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी, और जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, द स्कूल इज़ इन द ब्लैंक डायरेक्शन ऑफ द विलेज, तो जो स्कूल है वो वेस्ट साइड में, माई विलेज इज़ इन ब्लैंक डायरेक्शन ऑफ तालुका हेड क्वार्टर, तो उसमें ईस्ट आएगा, फिर द मेन गेट ऑफ आवर स्कूल इज़ द ईस्ट साइड में, द ब्लैंक इज़ अ साइम्बॉल फॉर हॉस्पिटल, हमने अभी अभी देखा हॉस्पिटल का जो साइम्बॉल है वो प्लस है, ठीक है, इस टाइप का जो प्लस की निशानी है वो। वाइल ऑन माई वे फ्रॉम स्कूल टू होम देर आर ब्लैंक ट्रीज ऑन द वे, मेरे घर से मेरे स्कूल के बीच में जो ट्री आते हैं 10 है, ठीक है। तो ये आपको आपकी वर्कबुक में कंप्लीट कर लेना, ये छोटा सा ही चैप्टर है, ठीक है। तो आज आप जितना भी कंप्लीट कर पाए इतना कंप्लीट कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, ठीक है। ये चैप्टर छोटा सा ही था, सो इतना हार्ड नहीं है। तो कहीं भी आपको मैप वगैरह में समझ में ना आया हो तो मेरा कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। और ये होमवर्क आप जितना भी आज आप कंप्लीट कर पाए उतना फ़ोटो भेजिए इस चैप्टर का, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो चैप्टर है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।